हालांकि भारत के पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा फॉरेन रिजर्व के मामले में हम रूस के बराबर चले आए। रूस जो है दुनिया में चौथे नंबर पे है फॉरेन रिजर्व में। अभी चीन के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, वो 3000 लगभग 3300 है आपका ट्रिलियन बिलियन डॉलर, 3300 यानी 3000 बिलियन डॉलर इसके पास फॉरेन रिजर्व है। चौथे नंबर पे आता है रशिया जिसके पास 605 बिलियन डॉलर है। तो भारत के पास भी उतने हैं लगभग दोनों आसपास, बहुत जल्दी हम लोग रशिया को पीछे छोड़ देंगे। तो हम लोग सोचिए रशिया के बराबर में आ गए, 605 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी फंड अवेलेबल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को मदद भी कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका जो था वो चाइना के जाल में फंस गया था कर्जा के मामले में, तो बांग्लादेश ने श्रीलंका को कर्जा दिया कि ले 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 श्रीलंका का चाइना का पैसा लगा दे। तो भारत को भी अपने पड़ोस में जो देश चाइना के जाल में फंस गया है इतना ज्यादा पैसा है। अब आप कहेंगे बांग्लादेश के पास कितना है, तो बांग्लादेश के पास 45 बिलियन डॉलर है, तो हम लोग के पास 605। तो वो 45 बिलियन डॉलर में अगर वो चाइना के डेट ड्राफ्ट को काउंटर कर सकता है तो 605 बिलियन डॉलर में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। चाइना से ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे पाकिस्तान वालों के पास इन चंद्रों का अलग झमेला, ये और सब नंबर क्या कह सकते हैं भाई। बांग्लादेश आप ही से टूटा था याद है कि नहीं 1971 में, लेकिन आप लोग को थोड़े याद रहे, आप लोग को तो केवल कश्मीर याद है। हम कश्मीर मिलेंगे भैया, पूर्वी पाकिस्तान आपका था चला गया, उसको कहते हैं ये समझ में आता है। बांग्लादेश 1972 में बना, आपकी रैंकिंग है 68 चाचा इधर देखिए, और बांग्लादेश की रैंकिंग है 44 आपसे अच्छा हो गया। मतलब बांग्लादेश के पास 45 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान के पास 16 बिलियन डॉलर, हम लोग से 37 गुना पीछे। लेकिन फिर भी परमाणु बम मारेगा हम लोग को, परमाणु बम चलाएंगे ये चलाएंगे, 37 गुना पीछे है भैया, याद कीजिए ये 37 गुना याद करें आप, इतना पीछे है। एक्चुअली पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा काम किया चाइना ने। चाइना को आना था हिंद महासागर में भारत को छोड़ते हुए, तो यहाँ से उसने एक सड़क बनाया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब लाखों पैसा लगा इस सड़क को बनाने में, और इसको कहा गया कि इस सड़क के दोनों ओर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। 10,000 फैक्ट्रियां लगेंगी, ये हमारे चाचा को समझ में आया नहीं, फिसल गए वहां पे। 10,000 फैक्ट्री मतलब खेलवाड़ है, 10,000 फैक्ट्री, कोनो फैक्ट्री उक्ट्री नहीं लगा, उल्टे इनके ऊपर इतना भयानक कर्जा हो गया कि कर्जा तो सोचिए मत। अब ये हाल हो गया है कि चाइना इनको कर्जा मांगता है ना, तो ये चाइना से कहते हैं एक साल का टाइम दीजिए, ताकि एक साल में हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह से कर्जा मांग के आएंगे, तो उस कर्जा से लेके आपका कर्जा चुकाएंगे। मतलब इन लोग का काम हो गया कि जगह जगह घूम घूम के ये लोग कर्जा मांगते फिर रहे हैं। ये सऊदी अरब में चले जाते हैं प्रिंस के पास कर्जा मांगने के लिए, देखिए सऊदी अरब प्रिंस कह रहा है आ जाओ बेटा तेरा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। ये देखिए आप इंसान की प्रोटोकॉल को देख के समझ, ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी कितना है, आ जाओ बेटा आ जाए इधर आ जाए। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा है ये, मतलब इनके अब्बा है ये किंग सलमान, और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका देश के पास अगर पैसा है, इकोनॉमी है, तगड़ा है अगर पूरी रिसोर्सेज से, तो फिर आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, आराम से मेहमान नवाजी होगी इस तरह से, आइए बैठिए। और अगर ऐसे जाएंगे भिखारी की तरह, चल तेरा पैसा देते कितना चाहिए, चल चल चल।